प्योर साइकिलिंग करते हुए ब्लॉग बना रहे हैं, उसके थ्रू हम लोग भेजते हैं, हम लोग सॉरी नहीं मतलब गवर्नमेंट भेजती है, हम कौन होते हैं यार भेजने वाले। तो चलो ठीक है भाई लोग, तो अभी Hey guys, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बाराबनी गेट के पास और इसके बाद से अपना बाराबनी मार्केट शुरू हो जाता है। पिछले 10-15 दिन से इतना बारिश हो रहा है ना कि आप लोग रोड पे देख पा रहे हो पानी कितना। तो दोस्तों जब तक हम लोग मार्केट पहुंचते हैं आप लोग इस ब्लॉग को शुरू से एक्सप्लोर करिए, तो चलिए शुरू करते हैं। Hey guys. वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। तो ये देखिए आकाश साथ में और आज हम लोग साइकिलिंग करते हुए जा रहे हैं बाराबनी मार्केट। यस ना दुमानी मार्केट, दुमानी मार्केट। ओके, मेरे को कुछ असाइनमेंट का पेजेस वगैरह लेना है तो उसके लिए जा रहे हैं और हम लोग अभी भनौरा से आ रहे हैं और अभी पहुँचे हैं घासकुटी मोड़। यही है, देख लीजिए घासकुटी मोड़ का व्यू, कुछ आपको दिखा देता हूँ। हे दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बाराबनी रेलवे स्टेशन, तो चलिए आगे का व्यू देखते हैं। ये देखिए गाइस बाराबनी स्टेशन पे बाराबनी का जो बोर्ड लगा हुआ है, बाराबानी है सॉरी, बाराबनी मैं तब से चिल्ला रहा हूँ, दैट्स बाराबानी। तो अगर बात करें बाराबनी रेलवे स्टेशन में ट्रेन की, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पैसेंजर ट्रेन चलती थी जो कि अभी नहीं, अभी चलता है, अभी भी चलता है लॉकडाउन में भी। हाँ वही तो बोल रहे, तो अभी लॉकडाउन की वजह से वो भी ट्रेन कैंसिल है, तो जब लॉकडाउन खुलेगा तो वो ट्रेन वापस से शुरू होगी। उसके अलावा यहाँ पे मेनली जो है वो अपना कोयले के लिए ही बनाया गया, ये देख सकते हैं आप पीछे इस साइड में पूरा कोयला ही कोयला नज़र आएगा। तो आसपास के जितने भी एरिए में माइंस हैं और उनका जो कोयला प्रोडक्शन होता है उनको यहीं से ट्रेन के थ्रू हम लोग भेजते हैं, हम लोग सॉरी नहीं मतलब गवर्नमेंट भेजती है, हम कौन होते हैं यार भेजने वाले। तो चलो ठीक है भाई लोग, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं बाराबनी स्टेशन से और अभी आपको दिखा देंगे टिकट काउंटर किधर है और अभी हम लोग मेन मार्केट के लिए जा रहे हैं। मेन मार्केट माने कि बाराबनी मार्केट, तो बने रहे पूरे वीडियो में। तो दोस्तों ये है बाराबनी स्टेशन का टिकट काउंटर और ये हमारा TC आकाश। बता भाई कहाँ कहाँ का कितना रेट है, दिख रहा है अंडाल 10 रुपया, गिरिडीह 30 रुपया, चितरंजन 10 रुपया, जामतारा 10 रुपया, मधुपुर। अब मेरा घर लेकिन गिरिडीह नहीं ना है, थोड़ा दूर है गिरिडीह से। तो गाइस ये है यहाँ का स्टेशन का टिकट काउंटर, तो चलिए अब चलते हैं मेन मार्केट की तरफ। मेन मार्केट अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, देखिए देखते हैं बुक्स बुक स्टोर कहाँ पे है, वहीं पे अपने को मिलेगा। यहाँ का यार मोमोज बड़ा फेमस था ना उस दिन हम लोग जब खाए थे, आगे रात शाम में यहाँ खुल, लॉकडाउन के चलते नहीं खा पाएंगे मोमोज, शाम में कौन आएगा इधर, और बारिश भी तो 10-15 दिन से इतना हो रहा है। सोने जा रहे हैं बारिश, उठ रहे हैं बारिश,
जब आँख खोलो बारिश, जब खिड़की खोलो बारिश। कपड़े नहीं सूख रहे भाई नहाने के बाद। यहीं पे लगाता है ना मोमोज वाला ठेला, यही इधर यहीं पे मोमोज मिलता है। छोटा हाथी देखो लोड होके आ रहा है। हम लोग बुक स्टॉक पहुंचने वाले हैं, बुक स्टोर सॉरी। ये इधर राइट साइड में घर है बुक स्टोर, ये देखिए। चलिए लेते हैं। बोथ साइड रूम। नहीं ये वाला नहीं, नॉर्मल इसके ऊपर जो आप लगाते हैं। अच्छा वो वो रस्सी से बांधते हैं ना। आज आएगा मैं, कल बता था ना आया नहीं मैं, आज ठीक है। तो दोस्तों यही दो शॉप है दुमानी बाजार में बुक का, देख लीजिए। और अपन लोग ले चुके हैं अभी सामान, अब चलते हैं दुमानी बाजार एक्सप्लोर करने। चले रॉन्ग साइड फंस गए। दहिना, नाउ वी आर गोइंग टू इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस। तो आपको दिखा दें बाराबनी में कहाँ है। एक बार घुस गए ना तो आना तो नहीं जाएंगे उधर छोड़ी। वो रास्ता बहुत मतलब रहता है, क्या बोलूं, जाम। बैंक ये क्या है? एटीएम जाबो। ये बाराबनी पुलिस स्टेशन। गिरफ्तार होके आते हैं। मछली बाजार। कितना दूर है, कितना दूर है इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस। गाइस ये देखिए आकाश इधर राइट साइड है। आज हम लोग प्योर साइकिलिंग करते हुए ब्लॉग बना रहे हैं, दोनों साइकिल दोनों लोग हैं। और आज कोशिश कर रहे हैं कि बाराबनी में क्या क्या है पूरा आपको दिखाएं। ये वाला ये कौन? अच्छा ओके। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस के पास, तो थोड़ा क्रॉस करेंगे फिर दिखेगा आपको। ये है अपना इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस। तो दोस्तों मैंने जितना छोटा मार्केट समझा था ये उतना छोटा है नहीं, बड़ा है। तो आज पूरा मार्केट हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, तो अभी इससे रिलेटेड और भी ब्लॉग्स आएंगे आपको इसी चैनल पे, तो बने रहें हमारे इस चैनल पे। गवर्नमेंट ऑफ बंगाल एक्सरसाइज डिपार्टमेंट का ये बिल्डिंग था। ओ भाई साहब कठिन चढ़ाई है। हे दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वाकई में पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो और शेयर करो वीडियो को आप। और गाइस अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और गाइस जल्दी मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।